नमस्ते मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे जहाँ भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र स्टार्ट होने वाला है, तो इस नवरात्र को ना कुछ मीठा बनाया जाए घर में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मेरे इसमें विद्यांत आपके सामने बहुत ही डिलीशियस नवरात्र स्पेशल पपीते का हलवा बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। फ्रेंड्स, हलवा तो आपने बहुत खाए होंगे, जैसे गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, सूजी का हलवा और भी कई तरीके के हलवे बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सबके सामने एकदम अलग पपीते का हलवा बनाने वाली हूँ, जो कि और सभी हलवे से एकदम अलग है और बहुत कम समय के अंदर फटाफट से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी छोटे मोटे टिप्स दूंगी, उसे बिना स्किप किए वीडियो को आखिरी तक अच्छे तरीके से फॉलो करें और आप भी इस नवरात्र में इस प्यारी सी रेसिपी को बना सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को झटपट से स्टार्ट करते हैं। तो इस हलवे को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पपीते को अच्छे तरीके से धोकर क्लीन कर लिया है और इसका छिलका हटाकर इस प्रकार से टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही इसका जो अंदर का बीज है उसे भी क्लीन कर लिया है और अब इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर ले। मैंने सारे पपीते के टुकड़ों को ग्रेट कर लिया है। तो अब इसे एक कढ़ाई, भगोना या इस प्रकार का सॉस पैन ले जैसे मैंने लिया है और इसमें ग्रेट किए हुए पपीते को डालें और 1.5 कप पानी डालकर हाई फ्लेम में उबाल आने तक का इंतज़ार करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो कुकर में भी आप इसे डालकर और 1/4 कप साथ ही पानी डालकर 2 सीटी बजाए आपका पपीता जो है उबल जाएगा। फिलहाल मैं इसे सॉस पैन में ही उबाल रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ चुका है, तो आप फ्लेम को लो करके इसे तब तक पकाएं जब तक कि पपीता बिल्कुल से पक ना जाए और बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसे चलाते भी रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पपीता बिल्कुल से कुक हो चुका है। इसे कुक होने में 15 से 20 मिनट का समय लगा है। तो आप फ्लेम को हाई करके इसका जो अतिरिक्त पानी है उसे सुखा लें। पानी बिल्कुल से 98% तक सूख चुका है। तो अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब इस सॉस पैन को हटाकर मैंने गैस में डोंगा रख दिया है। आप कढ़ाई या भगोने में भी चाशनी तैयार कर सकते हैं। तो अब इसमें 1 कप चीनी डालें, वजन से ये करीबन 100 ग्राम चीनी है और 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी डालें और इसे लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीनी बिल्कुल से मेल्ट हो चुका है पानी में। तो अब इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालें। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है फूड कलर में। तो अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। फूड कलर बिल्कुल से चाशनी में मिक्स हो चुका है। तो आप फ्लेम को लो करके इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। ड्राई फ्रूट्स में 1-1 करके 2 से 3 बारीक कटे हुए काजू डालें, 2 से 3 बारीक कटे हुए बादाम डालें, 8 से 10 किशमिश डालें, बारीक कटे हुए कुछ सूखा नारियल डालें, इसे गरीबी कहते हैं, और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसे चलाते हुए 1 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें उबाले गए ग्रेटेड पपीते को डालें और इसे तब तक लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते रहे जब तक कि पूरा चाशनी सोख ना हो जाए। चाशनी अच्छे तरीके से पपीते में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब लास्ट में 2 कूटे हुए इलायची डालें और 2 टीस्पून देसी घी डालकर अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करें और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त नवरात्रि स्पेशल पपीते का हलवा सर्व होके रेडी है।
इसे आप इस नवरात्रि व्रत के लिए बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो है ना आसान और धांसू हलवा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।